आवाज़ 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 चलो जी इसका कुछ सोल्यूशन देखो वहाँ पे होगा भी एक बार तो सोल्यूशन देखो ना कुछ Is that done? Actually, Achoh, good morning. जी सर लगभग लगभग हमने सैलरी खत्म कर दिया CES. एक रिलीफ अंडर सेक्शन एटी नाइन वन हमारा बचावा है सैलरी के पोर्शन के अंदर में तो सबसे पहले जाते हैं और समझ लेते हैं रिलीफ अंडर सेक्शन एटी नाइन वन रिलीफ अंडर सेक्शन एटी नाइन वन चलो जल्दी से आ जाओ राइट अब ये रिलीफ अंडर सेक्शन एटी नाइन वन बराबर है रिलीफ अंडर सेक्शन एटी नाइन वन ये बाकी का सारा चीज अच्छा उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सभी लोगों ने जितना हम लोगों ने सैलरी बोला होगा वो कल एक बार रिवाइज करके आया होगा आज यस पूरा का पूरा एक बार रिविजन करके आए होंगे आप लोग एंड देन आज हम लोग चालू कर रहे हैं ना सबसे पहले रिलीफ अंडर सेक्शन एटी नाइन वन अब ये रिलीफ मिलता क्यों है और मिलता काय से है और क्यों मिलना चाहिए पहले इस बारे में भी बात कर लेते हैं और रिलीफ रिबेट से कितना अलग है ये भी समझ लेते हैं बाकी जितने बच्चे यूट्यूब के ऊपर बाकी सारी बातें डिटेल्स लिख रहे हैं अननेसेसरी चैट्स प्लीज बंद कर दो कोई मतलब नहीं है ये सारी चीजें करके यस yes, या तो मेरे को चैट ऑप्शन बंद करना पड़ेगा तो प्लीज ये बिल्कुल मत बंद uh, मत करो अननेसेसरी वहां पर कुछ भी चीज मत लिखो और ध्यान भी मत दो ओके लेट्स फोकस सर अगर हम बात करें रिलीफ अंडर सेक्शन एटी नाइन वन अभी क्यों मिल रहा है और कैसे मिल रहा है इमेजिन कीजिए जनरली एक आदमी का पैकेज जो है ये है नाइन लाख रुपीज अगर इसका पैकेज कितना है नाइन लाख रुपीज तो अभी तक के वो अकॉर्डिंगली या तो बीस परसेंट के टैक्स लैप के अंदर में है चाहे ओल्ड स्कीम हो चाहे वो न्यू स्कीम हो बीस परसेंट के टैक्स लैप के अंदर में है वो अब इमेजिन कीजिए अचानक से उसको ग्रेचुटी मिलती है कंपनी की तरफ से ट्वेंटी लाख रुपीज इमेजिन करिएगा ग्रेचुटी मिलती कितनी ट्वेंटी लाख अब मुझे एक बात समझाइए इफ There had been no gratuity, he would have paid the tax at the rate of 20 percent. Owing to the gratuity, now he is into the tax rate of 30 percent. Don't you think he should get relief? Because this is a sum is directly received to him, owing to which the tax rate has increased to a level which was not generally available. tax rate generally available. अब ऐसे केस के अंदर में उसको क्या चाहिए रिलीफ अवेलेबल होता है अंडर सेक्शन एटी नाइन वन रिलीफ अवेलेबल होता है अंडर सेक्शन एटी नाइन वन समझ में आई बात दूसरा अरियर्स ऑफ सैलरी मिलती है कई बार मोस्टली जो एटी नाइन वन का रिलीफ है वो अरियर्स ऑफ सैलरी के साथ आता है अब ये अरियर्स ऑफ सैलरी क्या होती है देखिए आप में इसके आपके घर में से कोई भी व्यक्ति अगर सिक्स पे या सेवेंथ पे कमीशन के अंदर में होगा तो जरा समझिए गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉज होते हैं ये कई बार डिमांड करते हैं कि भैया आप हमारी सैलरी को इंक्रीज करो राइट अब गवर्नमेंट है अपना काम अपने तरीके से ही करेगी हर चीज को टाइम लगता है यह सोनो हर चीज को क्या करना है टाइम लगता है अब इसमें होता क्या है कि सेवेंथ पे कमीशन मान लो डेढ़ साल बाद लॉन्च हुआ डिमांड के अब सेवेंथ पे कमीशन जब लॉन्च होता है ना तो इसके बाद क्या होता है आपको पिछले डेढ़ साल का क्या मिलता है अरियर्स मिलता है एक साथ अब आप थे नाइन लाख रुपीस में आपको अरियर्स मिल गए सिक्स लाख रुपीस डोंट यू थिंक आप जहां ट्वेंटी परसेंट स्लैब के अंदर में थे वहां पहुंच गए सीधे थर्टी परसेंट स्लैब के अंदर में अब मुझे बताइए अगर ये सही समय पे मिल जाता तो क्या आप टैक्स प्लानिंग कर सकते थे हाँ अगर ये सही समय पे मिल जाता क्या आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते थे हां अगर ये सही टाइम पे मिल जाता तो आप क्या कर सकते थे 20 परसेंट पे ही टैक्सेबिलिटी में रह सकते थे एज द केस में अब तो आपको मिल रहा है पूरा का पूरा एक साथ तो ऐसे केस में क्या किया जाता है रिलीफ दिया जाता है रिलीफ अंडर सेक्शन एटी अब ये रिलीफ के ऊपर जनरली अब तक के कभी क्वेश्चन आया नहीं है हालांकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन है जो मैंने मॉडल यू नो क्वेश्चन एयर के अंदर में दिया हुआ है आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं कंसेप्ट में आपको यहां से समझा देता हूं अब रिलीफ जो है ये किन किन चीजों से मिलता है वे आर अस एस रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट इन द फाइनेंशियल ईयर अरियर्स ऑफ सैलरी एडवांस सैलरी सैलरी ऑफ मोर देन टॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी अरियर्स इन फैमिली पेंशन राइट या फिर आपको रिटायरमेंट बेनिफिट जो मिलते हैं राइट अदर देन वन पर्टिकुलर रिटायरमेंट बेनिफिट

अरियर्स तो पहले करंट ईयर की इनकम निकालो इंक्लूडिंग अर मान करके चल लीजिए नाइन लाख रुपीज वॉज नॉर्मल इनकम एंड सिक्स लाख रुपीज इज अयर अर इज नो तो नाइन प्लस सिक्स आपको टोटल निकालना है दैट इज स्टेप नंबर वन एग्रीकल्चर में भी कुछ ऐसा ही करते थे एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर बस वैसा ही स्टेप नंबर टू उसके ऊपर टैक्स निकालिए इंक्लूडिंग सेस आज के तारीख के हिसाब से आज के टैक्स रेट के हिसाब से इसके ऊपर आपको क्या निकालना है टैक्स निकालना है इंक्लूडिंग सेस तीसरा आप टोटल इनकम निकालना है एक्सक्लूडिंग अरियर अगर ये अरियर इस साल ना मिलता तो इनकम कितनी होती That is 9 lakh. Yes, तो आपको 9 lakh निकालना है और नाइन लाख पे step number 4 में क्या निकालना है लेट से नाइन लैख और फिर आपको क्या करना है टैक्स ऑन नाइन लैख निकालना है और यहां पे आपका डिफरेंस खड़ा हो जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे ए आपका डिफरेंस ऑफ टैक्स खड़ा हो जाएगा पंद्रह लाख का टैक्स माइनस नौ लाख का टैक्स ये आपका क्या आ जाएगा बेटा डिफरेंस डिफरेंस और इस difference को आप क्या नाम ए तो चलो पहले पांच स्टेप वापस से रिपीट करो पहला स्टेप क्या है करंट ईयर इनकम इंक्लूडिंग एरियस करंट ईयर इनकम एक्सक्लूडिंग एरियस समझ में आई बात और दोनों पे टैक्स निकालना है दोनों का जो टैक्स का डिफरेंस होगा उसका आप क्या नाम दोगे ए यहां तक के सभी को क्लियर है यस yes. अब आता है यही इनकम अगर उस साल मिल जाती तो क्या होता मतलब अगर मान लो ये अरियर्स आपको एक साल पहले मिलने चाहिए थे तो यही इनकम उस साल मिल जाती तो क्या होता अब सब बार का सब कैलकुलेशन उस साल का जिस साल से ये इनकम बिलोंग करती है जिस साल से ये इनकम बिलोंग करती है तो आपको क्या करना है इनकम ऑफ दैट ईयर जिसको ये अरियर्स बिलोंग करता है इनकम ऑफ

एक साल पहले की इनकम एक्सक्लूडिंग दोनों के टैक्स के डिफरेंस नाम देंगे? पहले स्टेप में, अरियर उस पे टैक्स और फिफ्थ स्टेप आ जाता है डिफरेंस ऑफ टैक्स इसको हम क्या नाम देते हैं अब यही इनकम अगर उस साल मिली होती एक साल पहले तो उस साल की इनकम इंक्लूडिंग टैक्स उस साल की इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर उस पे टैक्स और डिफरेंस ऑफ टैक्स को हम क्या नाम देंगे बी ए माइनस बी इज इक्वल टू रिलीफ ए माइनस बी इज इक्वल टू रिलीफ ए माइनस बी इज इक्वल टू रिलीफ आर यू गेटिंग अंडर सेक्शन स्टेप पहले पांच स्टेप करंट ईयर के फिर पांच स्टेप उस ईयर के और दोनों का जो डिफरेंस है ए माइनस बी उसको हम क्या कहते हैं रिलीफ ये रिलीफ आप क्या करोगे कहां से माइनस करोगे सैलरी रिलीफ सैलरी से माइनस किया जाएगा टैक्स में से माइनस किया जाएगा तो जो भी आपका टैक्स पेबल होता है उसमें से कैसे टीडीएस माइनस करते हैं ठीक उसी तरीके से उसमें से रिलीफ माइनस करोगे जैसे रिबेट माइनस करते हैं ठीक उसी तरीके से आप क्या करोगे रिलीफ माइनस करोगे तो यह रिलीफ कहां से माइनस किया जाता है टैक्स में से नीचे एरो करके लिखो यह रिलीफ टैक्स पेबल में से माइनस किया जाता है यह रिलीफ टैक्स पेबल में से माइनस किया जाता है इज डन चलो एक बार वापस से बता दो ताकि सैलरी पूरा का पूरा खत्म हो जाए सबसे पहले क्या करेंगे अगर अरियर्स ऑफ सैलरी मिला होगा तो स्टेप नंबर वन टोटल इनकम ऑफ करंट ईयर इंक्लूडिंग अरियर एवरीबडी स्पीक अप टोटल इनकम ऑफ करंट ईयर इंक्लूडिंग अरियर स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू इज टैक्स स्टेप नंबर थ्री इज इनकम एक्सक्लूडिंग अरियर स्टेप नंबर फोर इज टैक्स स्टेप नंबर फाइव इज डिफरेंस ऑफ टैक्स क्लियर है मालिक

साथ साथ में अगर आप देखेंगे नोट्स के अंदर में आपको एक पूरा इंपैक्ट यहाँ पे लिख करके दिया हुआ है कि कौन सी चीज न्यू स्कीम और एग्जिस्टिंग स्कीम में अलग अलग होगी तो इसको बस एक बार रीड आउट कर लेना दैट्स इट इज अ चलो जी भाई साहब हां जी मालिक लेट ए स्टार्ट विद दी अनादर टॉपिक सेट ऑफ छोटा टॉपिक है काफी अच्छा टॉपिक है और इसके अंदर में 115 बीएसी से कुछ लिटिल चेंजेस है बराबर है सेट ऑफ एक बहुत ही छोटा टॉपिक है इसके ऊपर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ भी सकता है इसके ऊपर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं भी आ सकता पर जनरली जब भी इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ये टोटल इनकम के आस्पेक्ट से रिलेटेड होगा आर यू गेटिंग द पॉइंट मतलब सेट ऑफ का जो क्वेश्चन होगा ये एंड में आपको टोटल इनकम या ग्रॉस टोटल इनकम पे ही लेके जाएगा आर यू गेटिंग द पॉइंट यस तो लेट्स गो विद द नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड एज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड विद अ लिटिल मोटिवेशन फाइव बाई फाइव रूल देखिए लाइफ में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि यू नो ये ऐसा है ये वैसा है आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे सो ऑन एंड सो फोर्थ अंडरस्टैंड एक फाइव बाई फाइव रूल फाइव कहता है जो आदमी आपसे कुछ भी कह रहा है या आपके बारे में कुछ भी कह रहा है अगर ये अगले पांच साल में मैटर नहीं करने वाला तो आपने पांच मिनट से ज्यादा इस आदमी पे ध्यान नहीं देने का क्या बोला मैंने अगर पांच साल बाद इसकी कही बातें का हमारे लाइफ में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है हमको पता है कि पांच साल बाद दिस पर्सन विल बी इन टू माय लाइफ पांच मिनट से ज्यादा इस आदमी के बात ध्यान नहीं देने का बेटा कैरी फॉरवर्ड मेजरली जो है दो सेक्शन हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना और पूरा सेट ऑफ इन्हीं के ऊपर बेस्ड है ठीक है ध्यान से समझना है द हेडिंग सेट ऑफ ठीक है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड दीज आर टू डिफरेंट टॉपिक्स एक पहले सेट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे फिर हम कैरी फॉरवर्ड के बारे में बात कर लेंगे ठीक है चलो अब सबसे पहले बात में हम आते हैं सेट ऑफ के क्या ये इंपॉर्टेंट है नॉट इम्पॉर्टेंट है सर इम्पॉर्टेंट है यस yes, इम्पॉर्टेंट है नॉट इम्पॉर्टेंट है इम्पॉर्टेंट है कैसे वर्क करेंगे तो सर समझ लीजिए सेट ऑफ इज मैंडेटरी ये ऑप्शनल नहीं है ये क्या है बेटा मैंडेटरी ये ऑप्शनल नहीं है ये क्या है बेटा मैंडेटरी बराबर अच्छा देर इज नो ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ देर इज नो ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ Set off is a process of setting off losses against eligible profit. उट अच्छा no of no of है? करते हैं जरा समझिए सेट ऑफ में ना दो ही चीजें हैं सेट ऑफ में कितनी चीजें हैं दो सबसे पहले आता है सेक्शन सेवेंटी और दूसरा सेक्शन होता है सेक्शन सेवेंटी वन लिखना मत पहले समझ लेना एक होता है सेक्शन सेवेंटी दूसरा होता है सेक्शन 71 लिखना मत सिर्फ समझना दोनों के बीच में फर्क क्या है एक है घरवाली दूसरी है बाहर वाली जरा प्यार से समझना एक कौन है घरवाली दूसरी कौन है बाहर वाली अभी घरवाली का मतलब क्या है घरवाली का मतलब है विद इन द सेम हेड सेट ऑफ विद इन द सेम हेड सेट ऑफ एक ही हेड में सेट ऑफ करने का मतलब है घरवाली याद रखने का सिंपल तरीका घरवाली कैसे नंबर की लेती जीरो नंबर वाली कैसे नंबर की रहती बेटा एक नंबर और दोनों के साथ रहना पड़ता लाइफ में दोनों के साथ रहना पड़ता लाइफ में राइट तो घर वाली कौन सी जीरो नंबर वाली कैसी एक नंबर और दोनों के साथ रहना है ये yes सुनो no? अब समझो इसको हम कहते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट्स सॉरी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स और दूसरे को हम क्या कहते हैं बोलो जल्दी से इंटर हेड एडजस्टमेंट्स बराबर है ये सेट ऑफ पे बात करता है विथ डिफरेंट हेड लिखो अब बेटा चलो जी क्लियर अब आते हैं के अब पहले घर वाली पे चलते हैं फिर वाली पे चलेंगे अब पहले एक बात समझिए ऐसा कहीं एक्ट में नहीं लिखा है कि ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या होना मतलब पहले घर वाली या पहले बाहर वाली इस बारे में कोई बात करी हुई नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो लेकिन लॉजिकली आप जब हेडवाइज इनकम निकालोगे तो बाई डिफॉल्ट में पहले घर वाली आएगी और बाद में बाहर वाली दैट इज पहले विद इन द सेम हेड और बाद में डिफरेंट हेड की बातें ही आती है तो so आर्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर सेवेंटी की जो हमसे बात करता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स की इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स ठीक है अब मेरे को एक सोच समझ करके बात बताना इनकम अगर पांच हेड में आ सकती है मतलब लॉस भी पांच ही हेड में आ सकता है हाँ बराबर है इनकम अगर पांच हेड में आ सकती है तो लॉस भी पांच हेड में आता है सबसे पहले हम सैलरी की बात करते हैं सोच समझ के बताना क्या सैलरी में लॉस हो सकता है देयर के नॉट बी देयर के नॉट बी लॉस इन सैलरी बराबर है दूसरा है एचपी बराबर है यहां पे 115 BAC के हिसाब से चीजें चेंज चीज़ होंगी ये बात समझ लेना राइट तो मैं यहाँ पे दो पार्ट बना रहा हूं अगर हम ओल्ड स्कीम के अंदर में हैं या हम 115 BAC वाली डिफॉल्ट स्कीम में हैं हम यहाँ पे दो पार्ट बनाते हैं बराबर हम्म अगर हम ओल्ड स्कीम में है एचपी लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एचपी इनकम एचपी लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एचपी इनकम सिंपल है यहां कोई तकलीफ थी ही, ही नहीं एचपी इनकम को एचपी लॉस से सेट ऑफ कर लो फॉर एग्जाम्पल हाउस प्रॉपर्टी वन के अंदर में आपको इनकम है फाइव लाख रुपीज हाउस प्रॉपर्टी टू के अंदर में आपको थ्री लाख रुपीज का लॉस है आपका नेट एच कितना बन जाता था टू लैख्स कहीं कोई दिक्कत नहीं थी जीवन आसान था कहीं कोई तकलीफ नहीं बराबर पर अगर मैं आपसे बात करूं 115 BAC वाले चीज की तो यहां पे दो बातें होंगी एक होगा इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एक होगा इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी बराबर अब जरा सोच के देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर में डिडक्शन एक ही मिलता था वो था हाँ या ना सेल्फ आईओबीसीड प्रॉपर्टी केस में डिडक्शन एक ही मिलता था आईओबीसी इफ वी ऑप्ट फॉर 115 बीएसी वी कैन नॉट टेक डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल देयर बाय कैन नॉट एसओपी नी लॉस इन एस ओपी हाउ can वी कैरी फॉरवर्ड इट एर हाउ केन वी सेट इट ऑफ बराबर है मान लो से पिछले साल ओल्ड स्कीम स्कीम में आया और उसका पुराना लॉस बचा होगा क्या वो भी लॉस सेट ऑफ कर पाएगा नहीं यानी एसओपी का जो लॉस आ रहा है एसओपी से जो लॉस आ रहा है इट केनॉट बी बोलो बेटा इट के नॉट बी सेट ऑफ और और कैरी फॉरवर्ड इट कैनॉट बी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड बेटा जबकि जबकि आप मुझे बताइए दूसरा एसओपी का लॉस जो है एल का लॉस जो है क्या हम ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इट कैन बी सेट ऑफ और कैरीड फॉरवर्ड बहुत क्लियर है देखिए ओल्ड स्कीम में हम ऐसा कुछ नहीं करते थे ओल्ड yes स्कीम no. में हम कुछ नहीं करते थे न्यू स्कीम के अंदर में एसओपी का लॉस आ ही नहीं सकता नहीं कैरी फॉरवर्ड हो सकता है पर एलओपी के केस केस में में ये हो सकता है इन yes no. याद रखिएगा एच से अगर कोई इनकम आ रही है लेट से फाइव लैख केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी विच इज एचपी एचपी से कोई लॉस आ रहा है लेट से थ्री लैख तो टू लैक क्या हो जाएंगे सेट ऑफ बट ये प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए एलओपी बनाओ जल्दी से डन चलो ये क्लियर है सभी लोगों को बराबर है आइए थर्ड पे चलते हैं थर्ड पे क्या है बेटा पीजीबीपी बराबर है थर्ड पे क्या है बेटा पीजीबीपी अब पीजीबीपी के अंदर में जनरली कितनी चीजें होती थी याद करके देखो तीन कौन कौन सी पहला नॉर्मल बिजनेस दूसरा स्पेसिफाइड बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस, बिजनेस मतलब अंडर सेक्शन थर्टी फाइव एडी वाला यस और तीसरा होता था स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या तुम्हें याद है ठीक है क्या तुम्हें याद है अच्छा मुझे बताइए Normal business loss can be set off against any business income. Normal business loss can be set off against any business income. Normal business loss. कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी बिजनेस इनकम बराबर है चलो नॉर्मल बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी बिजनेस इनकम जरा एनी के नीचे अंडरलाइन करना है यहां पर मान लीजिए स्पेक्यूलेटिव या स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम है लेट से फाइव लैख नॉर्मल बिजनेस का लॉस है नॉर्मल बिजनेस का लॉस है लेट इज थ्री लैख क्या ये सेट ऑफ हो सकता है यस क्या ये सेट ऑफ हो सकता है यस बिल्कुल हो सकता है कोई तकलीफ नहीं है नॉर्मल बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी कैसा बेटा ए नी बिजनेस इनकम तो चाहे ये स्पेक्यूलेटिव हो चाहे ये स्पेसिफाइड हो चाहे ये नॉर्मल बिजनेस इनकम हो किसी से भी सेट ऑफ हो सकता है अभी हम विद इन द सेम हेड की बात कर रहे हैं दूसरे हेड की नहीं क्लियर है स्पेक्यूलेटिव के लिए एक बड़ी प्यारी बात है लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस एनी वन कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट हां स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम एग्जाम्पल साथ में चलाते जाना भाई साहब स्पेकुलेटिव बिजनेस का इनकम है सिक्स लाख, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है थ्री लाख, क्या ये सेट ऑफ हो सकता है यस यहाँ पे आपका नेट बचेगा थ्री लाख। नॉर्मल बिजनेस का इनकम है सिक्स लाख स्पेक्यूलेटिव लॉस है थ्री लैख यहाँ सेट ऑफ होना पॉसिबल नहीं है इज अ डन आइए भैया यहाँ चेंज है भाई साहब पूछो क्यों थर्टी फाइव ए का डिडक्शन मिलता है क्या हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एस सी से समझ आया जब डिडक्शन ही नहीं मिलता लॉस कैसे आएगा? समझ में आया और कोई पुराना लॉस पड़ा होगा वो भी सेट ऑफ नहीं हो पाएगा समझ में आया यानी यहां पे दो चीजें याद रखनी पड़ेगी सबसे पहले हमें याद रखना पड़ेगा ओल्ड स्कीम सबसे पहले हमें याद रखना पड़ेगा ओल्ड स्कीम लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट The income of specified business only against the income of specified business. ज द डन तो लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस अब यही यहां पर अगर क्या आ जाता है डिफॉल्ट स्कीम आ जाता है हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एसी तो डिडक्शन अंडर सेक्शन थर्टी फाइव ए डी इज नॉट अलाउड एंड इट्स लॉस ऑफ अर्लियर ईयर्स कांट बी सेट ऑफ समझ में आया सभी लोगों को बस एक एक कदम थोड़ा सा फूक फूक के रखना पड़ेगा समझना पड़ेगा माइंड को थोड़ा ओपन रखना पड़ेगा काम हो जाएगा इज अ डन चलो वापस से एक बार यहाँ आओ, वापस से एक बार यहाँ आओ। हम आते हैं पीजीबीपी पी के अंदर में पीजीबीपी पी के अंदर में क्या था बेटा बताओ जल्दी से पीजीबीपी पी के अंदर में क्या था नॉर्मल बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस स्पेकुलेटिव बिजनेस एक बच्चा यहाँ पे पूछ रहा है सर फिर थर्टी फाइव में लॉस हुआ तो अरे डिडक्शन ही नहीं मिलेगा, तो लॉस कैसे होगा? डिडक्शन तो मिलना चाहिए पहले तब तो लॉस होगा ना बेटा कैसी कैसी बातें कर रहे हो बराबर है चलो नॉर्मल बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी बिजनेस इनकम स्पेकुलेटिव लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव इनकम स्पेसिफाइड लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड इनकम ये तो हम सबको पता है लेकिन अगर हम डिफॉल्ट हाँ, स्कीम में ऑप्ट करते हैं तो थर्टी फाइव का डिडक्शन मिलता नहीं तो यस और दूसरी बात याद रखना पड़ेगा थर्टी फाइव एडी से रिलेटेड कोई लॉस अर्यर के ईयर का है तो वो कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ हो सकता नहीं yes no? right? चलो। एक बार पूरा रिवाइज करते हैं सबसे पहले सैलरी में लॉस आ सकता नहीं एचपी के अंदर में एचपी लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एचपी इनकम लेकिन एसओपी से रिलेटेड अगर लॉस है अंडर द डिफॉल्ट स्कीम वो मिलने वाला नहीं है फिर हमने बात करी पीजीबीपी की पीजीबीपी के अंदर में कितने पार्ट स्पेकुलेटिव, 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 स्पेकुलेटिव स्पेकुलेटिव से से है? है सिर्फ यहां पे एक ही चीज है जो लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस है थर्टी फाइव एडी का वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा अगर आपका क्या हो जाएगा डिफॉल्ट स्कीम यस राइट चलो जी बराबर है। अब एक बात समझना यहां पे एक बात समझना यहां पे हम हम के हम लोगों लोगों के के केस केस में, में, अगर हम की बात करें, क्या यहां पे सेट ऑफ हो सकता है सेट ऑफ हो पाएगा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा जो लॉस आपका अर्लियर ईयर्स का होगा करंट ईयर का कोई सेट ऑफ की बात है तो वो हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड क्या है नहीं हो पाएगा क्योंकि आप करंट ईयर का एचपी इनकम अगर निकालोगे तो आप नेट इनकम ही निकालोगे मेरा बात समझना आप नेट इनकम ही निकालोगे उसमें भी एक लॉजिक क्या है तो एसओपी yes, तो क्योंकि यहां पे तो जीरो ही होने वाला है समझ फॉरवर्ड तो वैसे भी हो सकता नहीं अब आते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर क्या है बेटा आपका कैपिटल गेंस फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा आपका कैपिटल गेंस कैपिटल गेंस के अंदर में कितने लॉस है दो एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दूसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बराबर है तो मुझे बताइए शॉर्ट लेट्स से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है पांच लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तीन लाख रुपए का बताइए क्या ये सेट ऑफ हो सकता है बिल्कुल हो जाएगा सेट ऑफ कोई प्रॉब्लम नहीं है चलिए एक और सिचुएशन इमेजिन कीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है लाख रुपीज का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है थ्री लाख रुपीस का ये भी सेट ऑफ हो जाएगा बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ बोले जल्दी से कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट हाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है पांच लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तीन लाख रुपए का यहाँ पे सेट ऑफ हो पाएगा यस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है पांच लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तीन लाख रुपए का ये सेट ऑफ हो पाएगा नो ज दन चलो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आई एफ ओ एस अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर किसके ऊपर बेटा आई एफ ओ एस आई एफ ओ एस के अंदर में एक तो जनरल आई एफ ओ एस है याद आ रहा हो तो लॉसेस कैन बी सेट ऑफ जनरली आई एफ ओ कोई लॉस आता नहीं है बट अगर आ भी जाता है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सेट ऑफ को लेकर के एक होता है कैजुअल इनकम याद आ रहा है क्या आपको एंड ऑनलाइन विनिंग इसमें इस साल से ऐड कीजिए नो सेट ऑफ नो कैरी फॉरवर्ड कैजुअल इनकम से ना कोई लॉस सेट ऑफ हो सकता है ना ही इस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो तो कोई लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता कैजुअल इनकम से बराबर है वॉट अबाउट एक्समट इनकम नो लॉस कैन बी सेट ऑफ with an exempt income. further, loss from an exempt source of income can't be set off with taxable source of income. त्यागराजन, त्यागराजन, त्याग से कोई सेट ऑफ नहीं हो सकता कॉमन सेंस है जब वो टोटल इनकम का पार्टी नहीं बनती सेट ऑफ कैसे करोगे मान लो कोई एग्जम सोर्स है उससे लॉस आ गया तो वो टैक्सेबल सोर्स सेट ऑफ नहीं हो सकता इसका एग्जाम्पल क्या छोटा सा मान लो आपका एग्रीकल्चर का लॉस है चार लाख का और आपकी बिजनेस इनकम है आठ लाख की क्या ये सेट ऑफ हो पाएगा नो अगर कोई एग्जाम सोर्स है जिससे लॉस आ रहा है अगर कोई एग्जाम सोर्स है जिससे लॉस आ रहा है राइट ये टैक्सेबल सोर्स से क्या नहीं हो सकता सेट ऑफ नहीं हो सकता ये टैक्सेबल सोर्स से क्या नहीं हो सकता सेट ऑफ नहीं हो सकता यह सोनो चलो जी इज दट डन यहां पे आपका सेक्शन 70 क्या होता है ओवर पांच हेड की इनकम पांचों हेड के लॉस हमने डिस्कस कर लिया अभी तक के हम विद इन द सेम हेड की बातें कर रहे हैं सेक्शन 70 चलो मेरे साथ एक बार फटाफट सभी लोग रिकॉल करो सेक्शन 70 अभी हम सिर्फ सेम हेड की बात कर रहे हैं डिफरेंट हेड की बात नहीं कर रहे तो जल्दी से बोलो मेरे भाई पहला सैलरी से लॉस आ सकता नहीं सैलरी से लॉस आ सकता नहीं है दूसरा हेड बोलो एचपी क्या एचपी लॉस एचपी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है ये लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा क्या याद रखना पड़ेगा अगर डिफॉल्ट स्कीम है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो लॉस है राइट वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता नहीं वो क्या नहीं हो सकता बेटा कैरी फॉरवर्ड हो सकता नहीं इज दैट डन फिर हमने बात करी पीजीबीपी की राइट स्पेकुलेटिव और स्पेसिफाइड उन्हीं की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है नॉर्मल बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी बिजनेस इनकम सिर्फ एक चीज याद रखनी पड़ेगी अगर आप डिफॉल्ट स्कीम में है थर्टी फाइव एडी के केस में तो वो क्या नहीं हो पाएगा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सेट ऑफ हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा समझ में आ रही है बात नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल गेन नेक्स्ट क्या आता है आपका कैपिटल गेन

अब इसमें एक और चीज जो है जो हम शायद मिस कर देंगे लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस अच्छा कई बच्चे इसको ना लॉस फ्रॉम हॉर्स रेसेस कहते हैं गलत है ये लॉस फ्रॉम हॉर्स रेसेस नहीं है लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस मतलब हम उनके लॉस की बात कर रहे हैं जो हॉर्स को ओन करते हैं और उनकी रेस को मेंटेन करते हैं समझ मे बात ये हॉर्स रेस में पैसे हारे हुए लॉस की बात नहीं चल रही है वो कैजुअल इनकम में चला जाएगा लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस बराबर कैन बी सेट ऑफ बोलो कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस अब इतना अच्छा एग्जाम्पल देने के बाद भी मेरा एक प्यारा बच्चा है शुभम वो पूछता है सर एग्जाम इनकम में लॉस कैसे हो सकता है एग्रीकल्चर एग्जाम्पल लिखा के दिया पढ़ ले बेटा थोड़ा है ना कॉपी मत करते बेटे यहाँ पे बढ़ेंगे आगे घरवाली हो गई बाहर वाली पे फोकस करें देखा आवाज कितनी जोर से आई बार वाली कैसे नंबर की रहती बेटा एक नंबर ना सही जा रहे हो इंटर हेड एडजस्टमेंट्स इंटर हेड एडजस्टमेंट्स बराबर है सबसे पहले आते हैं हम लोग सैलरी में बराबर बताइए सैलरी क्या किसी भी हेड के लॉस को एब्जॉर्ब कर सकता है क्या और अगर नहीं तो वो कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जिसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता पीजीवीपी को नहीं कर सकता अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को नहीं कर सकता लॉस फ्रॉम एनी हेड कैन बी सेट ऑफ विथ सैलरी एक्सेप्ट

इज ऐट डन चलो नेक्स्ट की बात करो एच पी बताइए एच पी लॉस कितना सेट ऑफ हो सकता था मैक्सिमम अप टू टू लैख टू इन ओल्ड स्कीम ये दो लाख किधर से रिलेट करते थे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अब बताओ हो पाएगा क्या नहीं समझ में आई बात राइट right? Maximum HP loss set off with other head is restricted to rupees two lakh. Under the default scheme, loss from SOP can't be set off with other head. बराबर है अच्छा यहां पे रिमेनिंग लॉस क्या होता था यहां पे रिमेनिंग लॉस क्या होता था कैरी फॉरवर्ड इज अ डन चलो तो भैया ओल्ड स्कीम के अंदर में मैक्सिमम दूसरे हेड के साथ कितना सेट ऑफ हो पाता था एचपी का लॉस दूसरे हेड के साथ कितना सेट ऑफ हो पाता था टू लैक्स अब वो आ ही नहीं सकता तो सेट ऑफ हो नहीं सकता अच्छा दूसरे हेड का लॉस एचपी से सेट ऑफ हो सकता है यस लॉस फ्रॉम अदर हेड कैन बी सेट ऑफ विथ एचपी इनकम लॉस फ्रॉम अदर हेड कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एचपी इनकम इज दैट डन नेक्स्ट पे आता है बेटा आपका पी जी बी पी लॉस फ्रॉम पी जी बी पी कैन बी सेट ऑफ विथ एनी हेड एक्सेप्ट बोलो बेटा सैलरी स्पेक्यूलेटिव लॉस याद होगा तो ओनली अगेन्ट स्पेक्युलेटिव इनकम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन थर्टी फाइव एडी ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम लॉस फ्रॉम अदर हेड कैन बी सेट ऑफ विथ पी दूसरे हेड के लॉसेस कैन सेट ऑफ हो सकते हैं येस yes. बेटा चल फोर्थ कौन सा आता है बताओ अच्छा मुझे एक बात बताइए कुछ एग्जांपल लिखिए मान लीजिए आपका एच का इनकम है थ्री लाख का आपका पी का लॉस है टू लाख का बताइए ये सेट ऑफ हो सकता है क्या आपका एच का इनकम है पी पी का लॉस है ये सेट ऑफ हो सकता है क्या बिल्कुल हो सकता है कोई तकलीफ नहीं है आपका सैलरी का इनकम है आपका पीजीबीपी का लॉस है ये सेट ऑफ हो सकता है क्या नहीं हो सकता बराबर है मान लीजिए आपका एचपी का इनकम है आपका स्पेसिफाइड बिजनेस है अंडर सेक्शन थर्टी फाइव ए डी एंड यू ऑप्ट आउट ऑफ हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी बताइए यह सेट ऑफ हो सकता है क्या नहीं हो सकता क्योंकि लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस एक प्यारे से बच्चे ने बड़ा प्यारा सवाल पूछा है पीजीबीपी इनकम है और सैलरी का लॉस है तो क्या होगा रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट दो बार से लिख के आ रहा है चमन चिंदी एचपी में लॉस नहीं आता है ना सैलरी में लॉस नहीं आता और पूछ रहे भाई पी की सैलरी में लॉस कौन सा कौन सा नशा करके आया भाई साले इतने क्लैरिटी के साथ इतना स्लो जा रहा हूं आओ कैपिटल गेन कैपिटल गेन जी बताइए देखिए कैपिटल गेन ना थोड़ा सा अकड़ू सा है ये कहता है जिसको आना है मेरे यहां मैं किसी के यहां नहीं जा रहा आई मीन टू से लॉस फ्रॉम अदर हेड can be set off with capital gains but loss from capital gain can't be set off with other head you na बताइए पीजीबीपी का इनकम है सिक्स लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है थ्री लाख बोलो सेट ऑफ हो पाएगा क्या दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है फाइव लाख और पीजीबीपी का लॉस है थ्री लाख अब बोलो सेट ऑफ हो पाएगा क्या चलो बोलो पहला सिचुएशन अरे कर लो थोड़ा तो कर लो ना हो पाएगा बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दूसरा कर ले आई I मीन mean दूसरा लॉस सेट ऑफ कर ले कर लो भाई फिफ्थ आई एफ ओ एस लॉस पहला नॉर्मल लॉस फ्रॉम अदर हेड कैन बी सेट ऑफ कैजुअल इनकम पब्लिक एक्समट इनकम याद कर लो नो सेट ऑफ Owning and maintaining horse races only against its income. Only against its income. इज आर डन चलो यस किरण यू कैन डू इट चलो जी ये डन हो गया मालिक ओके okay. अब सबसे नेक्स्ट पॉइंट पे आता है गिव द नेक्स्ट हेडिंग ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ देखिए बी इनकम कंप्यूट करते वक्त हमारे पास बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं जैसे नॉर्मल बिजनेस लॉस हो सकता है अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन हो सकता है अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर हो सकता है अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर हो सकता है याद आ रहा है क्या तो देर इज एन ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ सबसे पहले ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ वाइल्डिंग कंप्यूटिंग पीजीबीपी ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ वाइल्ड कंप्यूटिंग पीजीबीपी सबसे पहले पीजीबीपी की इनकम में से पहले क्या माइनस करेंगे करंट ईयर डेप्रिसिएशन सबसे पहले आप क्या माइनस करोगे करंट ईयर डेप्रिसिएशन फिर करंट ईयर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर करंट ईयर Family planning expenditure. Fourth, any brought forward loss. Fifth, unabsorbed depreciation. Sixth, unabsorbed scientific research expenditure. थ अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ याद रखने लायक चीज पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फिर अनएब्सॉर्ब एप्रिसिएशन ज डन चलो जी तो यह हुआ आपका ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर ये तो हो गया सेट ऑफ वाला पॉइंट डोंट यू थिंक अब हमें कैरी फॉरवर्ड्स भी समझने पड़ेंगे अब हमें कैरी फॉरवर्ड्स भी समझने पड़ेंगे देख सैलरी में लॉस आता नहीं इसलिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा हाँ नेक्स्ट एच पी पबजी कैपिटल गेन ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस मेजरली इतनी चीजें बन सकती है हाँ या ना बराबर है एचपी के अंदर में बोलो भाई एचपी के अंदर में कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड अलाउड है कैरीड फॉरवर्ड अप टू एट ईयर्स आपको कैरी फॉरवर्ड कितने साल तक के अलाउड है एट ईयर्स तक के फाइलिंग लॉस रिटर्न इज मैंडेटरी इवन इफ नॉट फाइल्ड ऑन टाइम रीड फॉरवर्ड अलाउड एवरीबडी लॉस अगर एचपी का है आपको रिटर्न भरना है एचपी लॉस रिटर्न एचपी का लॉस रिटर्न है ये आपको भरना पड़ेगा लेकिन ये लॉस रिटर्न आपने टाइम पे फाइल नहीं भी किया

तो so, एचपी का लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते सर एट इयर्स तक के कैरी फॉरवर्ड कर सकते एक बात याद रखना एक बार आगे बढ़ गए ओनली घर वाली नो no बाहर वाली आई मीन टू से एक बार अगर आपने लॉस कैरी फॉरवर्ड कर दिया इट कैन बी सेट ऑफ ओनली विद इन द सेम हेड डिफरेंट हेड के साथ सेट ऑफ हो सकता नहीं तो सेट ऑफ विथ सेम हेड ओनली तो जो एचपी का कैरी फॉरवर्ड लॉस है वो सिर्फ एचपी इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है इस टाइम पे मेक श्योर कर लेना ये एसओपी वाला लॉस ना हो अगर ये डिफॉल्ट स्कीम में है तो।, तो वो आपको बार बार चेक करते रहना पड़ेगा डन ओके एक बच्चा पूछा है, सर आपने ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ बताया है और अगर वो ऊपर नीचे हो गया तो प्रॉब्लम होंगी क्या ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना है बेटा अगर हार्ट की जगह किडनी लगा दो किडनी की जगह हार्ट लगा दो क्या ही हो जाएगा आदमी के बॉडी में दोनों तो दिख ही रहा होगा ना प्रॉब्लम होगी कुछ अरे भाई बॉडी में तो दोनों भी प्रेजेंट है ना फिर क्या तकलीफ है नहीं हार्ट इधर सॉरी बस उत उत तकलीफ आना है ऐसा कैसे कैसी बातें कर रहे हो बेटा वेट अ मोमेंट लो भाई हार्ट और किडनी दोनों ही अटक गए हैं मी अ मोमेंट हां जी सर लाइट गई है रुक जाइए वी हैव टू वेट